जनपद नैनीताल में हो रही लगातार बारिश से भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बता दें कि शुक्रवार देर रात भी मल्लीताल राजमहल कंपाउंड क्षेत्र में रात के समय कंपाउंड की दीवार नाले में गिर गई, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। खैर, गनीमत वही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसी दौरान मदर हॉट स्कूल की स्वामी नकमा परवेज ने कहा कि पहले नालों की सफाई की जाती थी, लेकिन अब काफी समय से नालों की सफाई भी नहीं हो पा रही है, जिस कारण नाले चौक होकर दीवारों को गिरा रहे हैं। इसके आगे उन्होंने बताया कि प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि बरसात से पहले सारे नाले साफ कर दिए गए, लेकिन नालों में कट्टों में भरा देखा गया। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। जितने आपदा प्रबंधन वाले के नंबर थे, हमने सब नंबरों पे कॉल की, लेकिन किसी ने उठाया ही नहीं, गया ही नहीं, वो नंबर ही नहीं मिल रहे थे। फिर हमने अपने जितने भी हमारे जान पहचान के मित्रगण थे, हमने उन लोगों को फिर फोन किया, फिर उन लोगों ने और सब जगह फोन किया। फिर पुलिस डिपार्टमेंट से पुलिस वाले आए, उनमें एक मिस्टर शाहिद को मैं पहचानती हूँ और एक कोई और भी थे, वो आए। तो अब उन्होंने फिर वो लोग यहाँ पर आए, फिर उन्होंने अन्य लोगों को कॉल किया। अन्य लोगों को कॉल करने के बाद उन्होंने फिर हमारे यहाँ पुलिस विभाग से भी आए और बिजली विभाग से भी लोग आए। तब उन्होंने जो वो तार जो था, हाई टेंशन वायर जो था, फिर उसको उन्होंने काट के बांधा। तब हमें, क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही थी कि हमें ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिक करंट फैल जाए, और मेरे पास छोटे बच्चे हैं, मैं खुद हूँ, और हम तो बूढ़े लोग हैं, हम तो इतना दौड़ नहीं सकते। हमेशा ऐसा होता था कि बरसात आने से पहले ही नालों की सफाई हो जाती।